निंचला बाग में इलेक्शन कॉर्नर मीटिंग में शमूलियत डड्डी बरादरी, अराई बरादरी, रहमानी बरादरी और दीगर बरादरियों के पूरे खानदानों ने आजाद उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं राशिद डड्डी की इस रिपोर्ट में। मंचनाबाद के इलाका मुस्लिम कॉलोनी ने कालू का ग्रुप को खैरबाद कह दिया। मुस्लिम कॉलोनी को मुसलसल नजरअंदाज करने पर अवाम का पारा हाई। मौजूद इलाका में अब्दुलरहमान डड्डी और मोहम्मद अख्तर डड्डी कौम के सरबराह ने खिताब करते हुए कहा, हमारे इलाके में कोई बुनियादी सहूलियात नहीं दी गयी है, जिसकी बिना पर हमने फैसला किया है की डड्डी कौम भरपूर तरह से आजाद उम्मीदवार मियाँ राशिद महमूद मलकू को हमायत का ऐलान करते हैं। मुस्लिम कॉलोनी और चक में हुक्का को वोट दिया जाएगा। मुस्लिम कॉलोनी के सरगर्म रहनुमामी अब्दुलरहमान डड्डी समेत मोहम्मद अली डड्डी, अख्तर डड्डी, आसफ अली डड्डी, चौधरी अब्दुल मजीद, जहीर चाह, मनीर पठान डड्डी बरादरी और राई बरादरी, रहमानी बरादरी, चाहल बरादरी और जोया बरादरी व दीगर बरादरियों ने आजाद उम्मीदवार की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर आजाद उम्मीदवार मियाँ राशिद महमूद ने शमूलियत करने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। कॉर्नर मीटिंग खिताब करते हुए कहा की अवामी मोहब्बत ही हमारा सरमाया हयात है। अवाम ने हमें इज्जत से नवाज, जिसका हम कर्ज नहीं उतार सकते, जबकि हमारे मुखालफिन नजायज पर्चे और कब्जा माफिया और इंतकामी सियासत की है। जब हम हुकूमत में आए तो अरबों रुपए की तरक्याती मंसूबे मंजूर करवाएंगे। इंशाल्लाह 8 फरवरी को हुक्का की फतह होगी।